एंड अभी किसी एक रिजल्ट पे मत आओ कि बुलिश है तो हम एकदम लेके बैठ जाए कि अब कॉल लेके बैठ भाई ऊपर जाएगा नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं करना है ठीक है सो so, हम मैं बताता हूं आपको क्या करना है कल वाले दिन कल निफ्टी बैंक निफ्टी में ओपन होने के बाद हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपना वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आज क्या हमने ट्रेड्स लिए क्योंकि काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं राइट सो आज डिस्कस करते हैं पहले कि क्या हमने किया है एंड देन विल डिस्कस

ठीक है, बट मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था और आपको अपडेट करने की कोशिश की बट यू नो सही मतलब मेरे टाइप करते करते मार्केट नीचे ही गया था आपको पता ही होगा अगर आप टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो यहां पे इस तरीके से इसने एक बनाया था इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर ठीक है ब्रेकआउट काफी अच्छा मिला था इसका टारगेट काफी अच्छा हो सकता था बट बीच में लेवल था जिस जो प्रॉब्लम करता ऑफ कोर्स हम इसको हैंडल तो करेंगे

कोई बात नहीं ऊपर चला जाएगा लेकिन तब भी नहीं गया तो मार्केट क्या हुआ लोगों ने क्या सोचा कि फिर अब ना ये डबल बॉटम इस तरीके से बना रहा है ठीक है यहां यहां पे पे so, सो अब लोगों ने क्या सोचा कि यार यहां पे आएगा ना तो हो सकता है कि जाए ऊपर और यहां पे कुछ और क्वांटिटी लोगों ने ऐड की होगी ठीक है बट तभी मार्केट ने क्या किया इस लेवल को नीचे ब्रेक कर दिया और अब यहां पर हुआ लोगों लोगों के अंदर आया पैनिक और यहां पे फटाफट शुरू किया आप सबने जो भी अपने कॉल की पोजिशन ली थी सब लोग यहां पर एग्जिट करने लगे सोचो ऊपर टॉप पे आपने तो हमेशा स्टॉपलेस हिट हुआ छोटा सा स्टॉपलेस लेके बाहर हो जाओ ना क्यों इतना वेट करना है राइट right? क्यों इतना करना है सो so यहां पे चीज इस तरीके से अवॉइड किया करो ये सब चीजें मत किया करो रूल्स एंड जो भी अपने अप सेटअप्स हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है ठीक है उसके बाद अगर आज हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज मैंने आपको कल वाली एनालिसिस वीडियो में बताया था कि ये लेवल्स के बाहर जहां पे भी ब्रेकआउट मिले ऊपर ब्रेकआउट मिले तो कॉल के पोशन नीचे ब्रेकआउट मिले पुट की पोशन सिंपली वही हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और हमने यहाँ पे रिटेस्ट पे ब्रेकआउट मिला रिटस्ट पे हमने यहाँ पे पुट की पोर्शन ली इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के छोटा सा एंड टारगेट यहां तक का था बट यहाँ पर हमें एग्जिट करना पड़ गया इस वीक की वजह से यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखा रहा था पूरा टारगेट तक नहीं आया था मार्केट राइट right? उसके बाद और कोई हमने ट्रेड नहीं लिया इसमें बैंक निफ्टी में एकदम मार्केट बकवास था इधर उधर भाग रहा था तो ऐसे यू नो वेन यू कैनोट प्रिडिक्ट मार्केट मतलब कि आप कहां पर ट्रेड लो और कहां पर टारगेट जाए तो वो ट्रेड बिल्कुल आपको लेना ही नहीं चाहिए जब तक आपको पता ना हो जब तक आप अपने रिस्क को मैनेज ना कर सको जब उस ट्रेड के अकॉर्डिंग पता ना हो कि मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए मेरा टारगेट कितना होना चाहिए जब तक आपको ये चीजें नहीं पता जस्ट डोंट ट्रेड ठीक है तब आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है ऑल राइट सो देखो बैंक निफ्टी निफ्टी में इतना ही है और कुछ भी आपने इसके अलावा ट्रेड लिया था तो कमेंट करके जरूर बता सकते हो सो लेट्स टॉक अबाउट कि हम कल किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की लेकिन उससे पहले ना एक चीज और मैं आपको बता दूं काफी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कुछ स्टूडेंट्स भी थे कुछ नॉन स्टूडेंट्स भी है मेरे सो so, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर जो एनालिसिस वीडियो बताते हो हो बना रहे हो, वो अपने क्लास में नहीं बताइए तो देखो सिंपल सी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्लास जो मैंने ऑलरेडी दी है और मैं अभी दे रहा हूं सो दैट इज फॉर ओनली फॉर बेसिक टू इंटरमीडिएट ठीक है जो बिगिनर्स हैं जो लॉस कर रहे हैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं राइट जो अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं लॉस में ही जा रहे हैं तो उनके लिए वो कोर्स है ठीक है वो जो भी मैंने आपको बताया है वो मेरे बिना सहारे आप वो सारे ट्रेड्स ले सकते हो मेरे किसी अपडेट के बिना मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी और वो सारे ट्रेड्स आप ले सकते हो जो भी मैंने आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट वाला जो भी कोर्स करेंटली है उसमें बताया था जो मैं एनालिसिस बताता हूं जो मैं अपडेट्स बताता हूं जिस तरीके से मैं बताता हूं कि मार्केट कहां जाएगा और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है और जो भी मेरे अदर सेटअप्स हैं दोज आर माय एडवांस सेटअप जिसका मैं कोर्स लेके आऊंगा अभी थोड़ा सा वेट करो उसमें आपको सिखाऊंगा बट आप लोग पूछते हो कि सर वो वाले सेटअप आप जो आपने सिखा है वो बता नहीं रहे हो यहाँ पे वीडियोस में एडवांस बता रहे हो देखो सिंपल सी बात है जो वो वाले जब वो वाले ट्रेड बनेंगे तो मैं आपको वो वाले ट्रेड बताऊंगा जो एडवांस बनेंगे तो मैं एडवांस वाले बताऊंगा ठीक है एडवांस जब तक नहीं आ रहे तब तक मैं आपको यहाँ पे वीडियो में समझा ही रहा हूं तो यहाँ पे वीडियो में देख लो ठीक है ऐसा मत बोलो कि यार एडवांस आपने बताया नहीं बेसिक बता दिया देखो सिंपल सी एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप एक बार बताओ जब शुरू जब छोटे थे तो आपने तुरंत पैदा होते ही यू नो रनिंग करना थोड़ी शुरू कर दिया होगा भागना तो शुरू किया नहीं होगा ना आपने पहले शुरू किया होगा क्रॉल करने से ठीक है फिर उसके बाद आप थोड़े से किसी के सहारे खड़े होना शुरू किया आपने फिर उसके बाद सहारे से चलना शुरू किया होगा किसी के सहारे से राइट उसके बाद खुद के सहारे चलने चलना सीखा होगा एंड देन फाइनली यू स्टार्टेड रनिंग सो स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है अब देखो आप अचानक से पूरे टाइम लॉस मेकिंग थे प्रॉफिटेबल थे ही नहीं फिर मैंने आपको सेटअप सिखाए राइट क्लास में काफी सारी चीजें बताई आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है जो भी चीज सब कुछ बताया उसके बेस पे आप प्रॉफिटेबल बनो जब आप उन सारी चीजों को फॉलो करके चार पांच महीने तक प्रॉफिटेबल रहते हो ओवरऑल तब आप इन एडवांस सेटअप्स को फॉलो करो और जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं ये एडवांस सेटअप्स है मेरे लेकिन मैं आपको वीडियोस दीज दीज आर ऑल आर फॉर ऑल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एंड जो स्टूडेंट्स नहीं है फॉर एज वेल तो यहां पे मैं आपको

निफ्टी के लिए सिंपल सी कहानी मैं आपको बता रहा हूं अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है जो कि है वी कैन गो फॉर अ कॉल ठीक है यहां तक के लिए ऑफ कोर्स उसके ऊपर जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा ध्यान रखना ट्रेल करना जरूरी है ठीक यहां पे अपने मैक्सिमम लॉट्स बुक करके फिर आप ऊपर ट्रेल कर सकते हो जितना करना है उतना कर सकते हो ठीक है उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर जाए तो फिर तो काफी अच्छा वाला मूव हमें देखने को मिल सकता है ठीक है ये वाला लेवल आपका सेवनटीन थाउजेंड नाइन सेवन सिक्स का

राइट सो right? so, हम क्या करेंगे अगर यहां पर इस लेवल पर मार्केट आता है सो विल गो फॉर अल पोजिशन छोटे से स्टॉपलस के साथ ठीक है एंड इनकेस आपका स्टॉपलस हिट हो जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है स्टॉपलस हिट हो भी सकता है राइट right? तो इस स्टॉप लॉस इसीलिए होता है ताकि हमें बचा सके ठीक है सो so यहां पे अगर ब्रेक करके जाता है तो आप सिंपली कॉल की लोगे अगर यहां पे आता है तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कॉल की प्विशन लोगे लेकिन अगर यहां पे ब्रेक हो जाता है तो तुरंत आप कॉल में से एग्जिट करके पुट मत लेना होल्ड करने देना यहां पे जब इस लेवल के जो कि आपका सेवनटीन है जब इस लेवल के नीचे होल्ड ना करे जब तक तब तक आप यहां पे पुट की प्जिशन मत लेना ध्यान रखना ठीक है फेक ब्रेकआउट हो सकता है हो सकते हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना है सो so, निफ्टी में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं करना निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा होल्ड करके और आप एंट्री uh, लोगे अच्छे यू नो एंट्री पॉइंट देख के सो so काफी अच्छा वाला डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है राइट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की देखो बैंक निफ्टी में भी हटा देते हैं ये पहले तो और सबसे पहले तो आज का जो ये वाला पॉइंट था ना यहां पे मैं एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ जो क्लोजिंग है आज की ठीक है और इस वाले लेवल को मैं यहां रखूंगा फिलहाल के लिए अब देखो करना क्या है सिंपली आपको क्या करना है जो ये लेवल है विच इज बैंक निफ्टी का बता रहा हूं जो ये लेवल है आपका 42,134 अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा विल गो फॉर अ कॉल यहां पे आपको मैक्सिमम लॉट्स बुक करने हैं और ट्रेलिंग शुरू करनी है लेकिन अगर मार्केट ओपन ही होता है इस लेवल को ब्रेक करके सो तो यहां से आपको बहुत ही अच्छी वाली कॉल की पोजिशन मिल सकती है ठीक है सो so वो आपको देखना पड़ेगा एक एंट्री पॉइंट अच्छा ढूंढना लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो वी कैन गो फॉर अ कॉल पोजिशन फॉर बिग टारगेट

एंट्री मिल जाए इसी पॉइंट पे अगर कहीं पुट की पोजीशन मिल जाए सो so अफकोर्स आप यहां तक के लिए ट्रेड कर सकते हो ठीक है उससे ज्यादा यहां पे ये वाला रिस्की रहेगा तो इसको मैनेज करना मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन थोड़ा रिस्की है सो so उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे बट कॉल की पोजीशन अगर पे मिलती है बैंक निफ्टी में इस लेवल के ऊपर फोर्टी टू थाउजेंड वन थ्री फोर के ऊपर तो वी कैन गो फॉर अ कॉल पोजीशन ठीक है सो ये सिंपल सी कहानी है और अगर देखो यहाँ पे आपको पुट की पोजीशन के लिए वेट करना यहाँ पे रिस्की रहेगा मैनेज करोगे अपने अकॉर्डिंग ठीक है बट सिंपली अगर इस लेवल को ब्रेक करता है देन तभी हम पुट की पोजिशन एक अच्छा वाला देखेंगे यहां पे होल्ड करता है और फिर आप अच्छा सा एक एंट्री पॉइंट देख के पुट की पोजिशन ले सकते हो ठीक है सो ये सारी चीजें फॉलो फौल, करो जो एनालिसिस मेरी बता रही है वो ये है कि हो सकता है कि इस लेवल को ऊपर ब्रेक करे एज पर द करेंट सिनेरियो ठीक है उसके अकॉर्डिंग मैं अप साइड में मूव लूंगा और फिर इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा तो बहुत ही अच्छा वाला मूव आएगा राइट सो so, मैं उसके प्लान में हूं पुट क्योंकि आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है हमेशा की तरह ये वाली जो हमारी येलो लेवल्स हैं ये आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स हमेशा की तरह आपको पता है कि मार्केट किस तरीके से फॉलो करता है तो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे रिजेक्ट करके जा रहा है ठीक है सो so, कल मार्केट ओपन होने के बाद पता लगे उसके बेस पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे तो so, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो कि आपको पसंद आ रहा नहीं आ रहा आप डेली ट्रेड ले रहे हो मेरे अगर आपने मेरे एनालिसिस वीडियो के अकॉर्डिंग आज अगर कोई भी ट्रेड लिया है तो कमेंट करके मुझे बताओ डेली बताया करो ठीक है मुझे मजा आता है कि हाँ आप लोगों को ये चीजें पसंद आ रही है ठीक है एंड निफ्टी में हो बैंक निफ्टी में जो भी लिया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो राइट एंड मिलते हैं कल वाली वीडियो में कल आ, नहीं अब तो कल तो फ्राइडे है सो so, यस yes, कल ट्रेड रिपोर्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच